द अर्थ इज़ एक्टेड अपऑन बाई ग्रेविटेशन ऑफ सन इवन दो इट डज नॉट फॉल इन टू द सन वाई तो वो क्या बोल रहे हैं कि अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स सन का काम कर रहा है तो अर्थ सन के अंदर गिरती क्यों नहीं है राइट तो दैट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन देर आस के कि सन के अंदर क्यों नहीं गिरती है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अर्थ घूमता क्या है मतलब घूमता जब है तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं वी कॉल इट सर्कुलर मोशन है ना अब सर्कुलर मोशन में यहां पे मतलब एक सेंटर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है राइट right? सेंटर की तरफ फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं वी कॉल इट सेंट्रीपिटल फोर्स है ना कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं उसको राइट right? तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो गोल गोल घूमते रहता है इसी सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से वो गोल गोल घूमता है अर्थ के अराउंड हेंस वो अर्थ में गिरता नहीं है अब ये सेंट्रिपिटल फोर्स आता कहाँ से राइट दिस फोर्स इज कमिंग फ्रॉम वेयर फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स तैयार होता है और उसी की वजह से अर्थ घूमता है सन के अराउंड और सन में गिरता नहीं है तो बस इसी को हमको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है When Earth revolves around, when Earth revolves around Sun, it, it moves in circular motion. When Earth राउंड सन इट मूव इन सर्क्यूलर मोशन हमारा पहला पॉइंट हो गया उसके बाद हमको क्या लिखना है वो बीच में का फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वजह से वो गिरता नहीं है सन के अंदर तो बस उतना ही लिखना है ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाई सन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हो रहा है लेकिन वो कहां से आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसलिए हम लोग वो लिख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिटेड बाय द सन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन हेंस अर्थ डज नॉट फॉल डेंट फॉल इंटू द सन तो क्यों नहीं गिरता है सिंपल चीज आपको रीजन क्या ध्यान में रखना है कि इट इज ड्यू टू सेंट्रिमिटल फोर्स विच इज क्रिएटेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वजह से वो सन के अंदर नहीं गिरता है दैट सेट